नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। जब आप लोग डाउट मेरे सामने रख दिए हो तो उस डाउट को क्लियर तो हम करेंगे ही। क्या डाउट? तो डाउट आप लोग तो लास्ट क्लास में ही हम लोग को बोल दिए, हमको बोल दिए थे कि मन में सर मेरा डाउट यह है, आप लोग का मन में क्वेश्चन यह है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोथ आर सेम सेंटेंस या डिफरेंट। तो आप लोग को बार बार बताना चाह रहे हैं, थोड़ा गौर कीजिए। ए तुम हमको बोल रहे हैं, थोड़ा गौर करो। मान लीजिए कोई सेंटेंस का लास्ट में देखिएगा, किसी सेंटेंस का हिंदी का मन में कुछ सोच रहे हो या मान लीजिए लिख रहे हो, हिंदी सेंटेंस का लास्ट में देखिएगा, रहा रही और रहे थे, ठीक है। लेकिन संग में इसके संग टाइम नहीं रहेगा, तो ये आपका है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मान लीजिए सेंटेंस का लास्ट में देखिएगा, रहा रही और रहे थे, संग में टाइम रहेगा, संग में टाइम आपका रहेगा, तो समझ जाना क्या चल रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सर इसका बनाने का कोई फॉर्मूला बताइए। तो इजी फॉर्मूला, बहुत इजी फॉर्मूला है, इसका सेंटेंस भी इजी रहता है। जैसे मान लीजिए वे लोग खाना खा रहे थे दो घंटा से, वे लोग अपना काम कर रहे थे एक घंटा से, तो इसका बनाने का फॉर्मूला ये है, पहले सब्जेक्ट लाएंगे, सभी के संग हैड लगाएंगे, अगर सिंगुलर हो प्लुरल हो सबके संग भी हैड लगाएंगे, बता दे रहे हैं, फिर उसके संग में नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, फिर उसके संग में बिन लगा दीजिएगा, मेन वर्ब का चौथा फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम फुल स्टॉप। सिंस कहाँ लगता है? अगर मान लीजिए कि समय आपका जो है निश्चित रहेगा, सर्टेन, जो समय बदलता नहीं है उसके संग सिंस लगेगा, जो समय बार बार बदल रहा है जैसे मान लीजिए अनसर्टेन, उसके संग में जो फॉर लगाएंगे टाइम मेंशन कीजिएगा। जैसे मान लीजिए वे लोग अपना काम कर रहे थे 10 साल से, देखिए वे लोग, दे हैड बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 10 ईयर्स। अगर यही रहेगा, वे लोग अपना काम कर रहे थे 2001 से, वे लोग अपना काम कर रहे थे 2001 से, तो देखिए वे लोग, दे हैड बीन डूइंग देयर वर्क सिंस 2001। अगर यही मान लीजिए वे लोग अपना काम कर रहे थे सिर्फ रहेगा, अगर टाइम नहीं रहेगा तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन यहाँ टाइम मेंशन किया गया है इसलिए क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब रहा बोलने का मतलब है, स्टूडेंट के मन में हमेशा डाउट नहीं होना चाहिए, आप इस रूल फॉर्मूला को फॉलो कीजिए। अपनी सबसे पहले क्या कीजिए, आप कॉपी को ओपन कीजिए, एक अलग कॉपी बनाइए, उसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, नोट करके उसको अपने पास रखिए, जब भी हो एक बार सत सर का फॉर्मूला को ओपन कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, क्योंकि हर सारा स्टूडेंट लोगों का मन में डाउट है, एक अच्छा नॉलेज कहाँ से हासिल करें, तो हम बताना चाहिए यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं। ओके, फिर नया जोश से नया डाउट तो क्लियर कर देंगे पक्का। बाय।